पर एक महीने से किसान डटे हुए हैं। किसान भजन कीर्तन गाकर इस साल को विदाई दे रहे हैं और पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। हालांकि इनकी दो बात कल सरकार ने मानी है और अगली बैठक 4 तारीख को है। महाराज की चिल्ला बॉर्डर पे एक महीने से किसान बैठे हुए हैं। आज 31 का दिन है, यानी कल दूसरा साल लग जाएगा। भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया है, नए साल पर कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। लोग अपने घरों से दूर हैं। आज 31 दिसंबर, 31 दिन से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं। बच्चे याद कर रहे हैं, घर वाले याद कर रहे हैं कि नया साल है, पापा घर आ जाओ। नए साल पे कैसे बुलाया जा रहा है आपको? बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि पापा आप नहीं आओगे तो नई साल नहीं मनाएंगे, आप आ जाओ आ जाओ। हमने बच्चों से कहा आप मनाइए और सरकार मांग हमारी मान रही है, आधी मान ली है और आधी 4 तारीख को शायद हमें उम्मीद है मान ली जाएंगी। तो बच्चे कह रहे हैं पापा आप आ जाओ, साथ ही मनाएंगे जब आप आ जाओगे वहां से, पापा घर आ जाओ। आज क्यों ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया है? ये साल का अंतिम दिन है और हम ये चाह रहे हैं इस कीर्तन के माध्यम से कि इससे कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी हमारे इस आंदोलन को शक्ति दे और जल्दी हमारी जो MSP को लीगल करने की मांग है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कमियां हैं उनको सरकार समझे और इन तीनों कृषि बिल को जो बिल्कुल रद्दी है, कूड़ादान है, उसको ये सरकार ना थोप गए हमारे ऊपर। बिल्कुल, साल का आखिरी दिन है, आप देख सकते हैं बाकायदा जो है पूरे इंतजाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं भजन कीर्तन, क्योंकि जो 2020 है उसको विदाई एक तरीके से दी जा रही है। परिवार याद कर रहा है, परिवार याद कर रहा है, आज साल का आखिरी दिन है। परिवार तो भैया बहुत याद कर रहा है और हमें भरोसा भी दे रहा, शक्ति दे रहा है परिवार। हमें कॉल करके खुद फोन कर रहा है, हमें यूँ कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब व्यवस्थाएं हम मैनेज कर लेंगे। और फोन आया कि कीर्तन का कार्यक्रम आप हर साल कराते थे, 31 तारीख के दिन साल की विदाई आप कराते थे, तो वो हम अच्छे तरह से नहीं करा सकते। जो भी ठाकुर जी से भजन यहीं कीर्तन करके अपना साल के अंतिम दिन का मजा लुत्फ उठा रहे हैं। साल के अंतिम दिन का लुत्फ उठा रहे हैं, 2021 का कैसे स्वागत करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पहले करते आए थे उसी प्रकार से करेंगे और भगवान से, क्योंकि किसान तो भगवान भी हमेशा जो आ सकता है, चाहे फसल मरती है या कोई भी आपदा आती है, हमेशा भगवान को याद करता है, उसी पे विश्वास करता है कि हमारे आगे के रास्ते को खोलेगा। तो उसी के तहत आज ये कीर्तन करके ये 2020 की विदाई कर रहे हैं और ये इसके साथ साथ भगवान से विनती करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है इस सरकार को भी भगवान सद्बुद्धि दे और ये देश का पेट पालने वाले किसान को ये खुशी खुशी नए साल का स्वागत करे। और नए साल का स्वागत, जाहिर सी बात है जब नया साल आता है तो उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम हर जगह करे जाते हैं। यहाँ पर भी कार्यक्रम करा जा रहा है, लोगों को अपने घर की याद आ रही है, वीडियो कॉलिंग करके हाल चाल ले रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इससे 2020 को विदाई दे रहे हैं और 2021 का वेलकम कर रहे हैं। क्या साजिद खान,